बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर भाई एक ट्वीट की गई जवाजात की तरफ से कि तमाम तर उन अफराद के वीज़े बढ़ना शुरू हो चुके हैं जी, या हम बढ़ा रहे हैं, यानी कि कुछ दिनों में आपके बढ़ जाएंगे। अच्छा अभी भाई मुझे बहुत से कमेंट कर रहे हैं भाई, विजिट वीज़ा वाले भी भाई, न्यू वीज़ा वाले भी भाई, फैमिली वीज़ा वाले भी भाई, हमारा मेरा ये मानना है वो मानना है। मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा कन्फर्म करने की कोशिश करूँगा, यानी कि आपको डिटेल थोड़ी बताने की कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह ताला आपकी समझ में आ जाएगी। पहले तो सऊदी वीज़ा के मुतल्लिक अगर बात करें तो एक होता ही वर्क वीजा। आप किसी कंपनी में आते हैं, किसी यानी कि घर के ड्राइवर के तौर पर आते हैं, यार कोई भी महना लेकर आते हैं, वर्क वीजे के ऊपर आते हैं, साय खास हो जाता है, उसमें अमल मंजरी हो जाता है, किसी कंपनी का वीजा हो जाता है। आजाद बंदा कोई भी किसी भी किस्म का महना वाले महीने वाला यानी कि हो तो वो भाई तमाम तरह वर्क वीजे में आएंगे। इसके अलावा एक होता है विजिटर वीजा, विजिट वीजा जिसे बोलते हैं। अच्छा मैं ये भी पढ़ रहा था कि सऊदी अरब ने चंद माह के अंदर भाई 4 लाख से ज्यादा विजिटर वीजे निकाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टूरिज्म अभी सऊदी अरब में काफी आ रखे हैं। अगर बात करें विजिट वीजा के मुतालिक तो विजिट वीजा एक तो ये हो गया, एक विजिट वीजा भाई वो भी होता है जिसमें आप अपनी फैमिली मंगवा सकते हैं, ठीक है जी। उसके उस वीजे के ऊपर आपकी फैमिली आएगी, वो आपके नाम के ऊपर निकलता है, ठीक है। अच्छा उसमें कुछ मखसूस मायने होते हैं लेकिन उस डिटेल में हम अभी क्या जाएंगे। अच्छा इसमें अगर न्यू वीजा वाले भी जो सऊदी अरब का न्यू वीजा लेकर आ रखे हैं, अभी आप न्यू वीजा लेकर आ रहे हैं, विजिट का लेकर आ रहे हैं, फैमिली का आपने वीजा लिया है या आपने वर्क का वीजा लिया है, वो आप इसी कैटेगरी में आएंगे ना। तो भाई अगर आप तमाम तर यानी कि वर्क वीज़ा वाले, फैमिली वीज़ा वाले, विजिट वीज़ा वाले तमाम तर अहबाब के सऊदी गवर्नमेंट के मुताबिक 31 जनवरी तक भाई आपके इकामे, आपकी छुट्टी वगैरह अगर आप छुट्टी के ऊपर गए हुए हैं तो वो तजदीद एक्सटेंड यानी कि हो चुके हैं, ठीक है, बढ़ा दिए गए हैं। अभी होगा ये कि आपको वक्तन फक्तन ये मैसेज आते रहेंगे आपके अपशर के में, आपको नोटिफिकेशन शो होता रहेगा। अभी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ऐलान कर दिया गया और एक दिन में आप सबके तजदीद हो जाएंगे, आपको कुछ दिन सिर्फ सब्र करना होगा। वक्तन फक्तन तमाम अहबाब के भाई वीज़े और छुट्टी खुद ब खुद एक्सटेंड हो रखे हैं, आप अपना अपशर चेक करते रहें। जैसे ही आपके अपशर में शो हो यानी कि आपका इकामा और आपकी छुट्टी बढ़ चुकी है, अपने पासपोर्ट के ऊपर नजर रखिएगा, मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं भाई, अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हुआ तो फिर आपका ना तो इकामा बढ़ेगा ना आपकी छुट्टी बढ़ेगी। ये अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है, मैं देख रहा हूं इसके मतलब भी एक वीडियो शायद मैं अभी आपके साथ शेयर कर चुका हूं या कर दूंगा। तो वो एक भाई ने जवाब से सवाल किया था, तो भाई अपना पासपोर्ट आपका डेट वगैरह उसकी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप 2-4 दिन 5 दिन में ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से 10 दिन में आपका इकामा वगैरह छुट्टी वगैरह एक्सटेंड हो जाएगी, फिर टिकट वगैरह लेकर आप सऊदी अरब में आ सकते हैं।